हेलो स्टूडेंट्स, आज का एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक का। ये बोर्ड के अंदर आपका 4 मार्क्स में डेफिनेटली आता है क्वेश्चन, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है इस फॉर्मेट के ऊपर कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। और ये वाले क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.4 में 15 टू 20 तक जो है, 15 ऑनवर्ड मतलब 15 के बाद के जो भी क्वेश्चन है वो सब के सब इस फॉर्मेट के ऊपर है कि ऊपर एक लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब या तो इस टाइप से होगी या फिर बिना अंडर रूट के होगी, दो तरीके हो सकते हैं। ऊपर लीनियर टर्म होनी जरूरी है और नीचे क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के नाम से आप याद रख सकते हैं कि इस फॉर्मेट के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, उसके लिए पूरा प्रोसीजर समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में जो भी कुछ ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर जनरेट करेंगे। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसे हम ऊपर जनरेट करेंगे, ये एक बात हो गई। तो इसका डिफरेंशिएशन सोचो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 होगा, वो हमने यहाँ साइड में लिख लिया। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 है, वो हमने साइड में लिख लिया। अब हमें इस एक्सप्रेशन से 2x प्लस 4 को अलग छांटना है। अभी 5x माइनस 3 है, इसे 2x प्लस 4 में कन्वर्ट करना है, इसमें से 2x प्लस 4 अलग निकालना है। तो तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हर क्वेश्चन में यही सेम होगा, जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगा उन सबको आराम से बिल्कुल इजी वे में बैठ के सुनना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, खूब ढंग से सुनना, एक बार सुनना फिर वापस वीडियो रिपीट करना, समझ में आएंगी चीज़ें। क्या है कि सबसे पहले यहाँ जो भी x का कोफिशिएंट है उसे बाहर ले लें, ये एक बात हो गई, x का कोफिशिएंट बाहर लिखा हमने। अब बाहर लेने का मतलब यह है कि 5 कॉमन लिया हमने यहाँ पर, अगर हमने यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये x माइनस 3 अपॉन 5 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर को मत छेड़ना, वो एज इट इज चलता रहने दो, डिनोमिनेटर ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन 5। इसके बाद क्या होगा, हमें एक्चुअली वहाँ पहुँचना है, यहाँ से चलकर वहाँ पहुँचना है, मंजिल वो है, उसे ध्यान रखना। अभी तो x बना, 2x बनाना है हमें, तो इस पूरी में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी बाहर तो 5 अपॉन 2 हो जाएगा और अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और 2 की मल्टीप्लाई करते ये 2x माइनस 6 अपॉन 5, और अपॉन वाले को मत छेड़ना, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इतना काम भी कर लोगे, 2x जनरेट हो गया, अभी प्लस 4 लाना है तो 4 ऐड करो, 4 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें बाहर 5 अपॉन 2 तो चलता रहने दो। इंटीग्रेशन के अंदर 2x प्लस 4 लिखा, माइनस 4 किया, माइनस 6 अपॉन 5 पहले से ही चला हुआ था, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इतना काम आप कर लेंगे। अब ये 2x प्लस 4 अलग कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये 2x प्लस 4 तो एक टर्म मान लेंगे इसे, और माइनस इन दोनों की कैलकुलेशन से मिलेगा हमें 26 अपॉन 5, दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएगा 26 अपॉन 5, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। अब आप यहाँ पर देखो, ऊपर दो टर्म है, नीचे सिंगल है, इसे हमने अलग माना, उसे अलग। अब यहाँ से ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होगा 5 अपॉन 2 तो बाहर चलता रहने दो, इंटीग्रेशन में एक तो आएगा 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक तो ये टर्म हो गई क्वेश्चन में, एक इंटीग्रेशन तो ये अलग रखा हमने, और माइनस वो जो 26 अपॉन 5 है उस इंटीग्रेशन वाले में, इस तरीके से 26 अपॉन 5 और अपॉन में ये, अब आप समझो ये वाला इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, इस इंटीग्रेशन को I1 लेट कर लेते हैं, उस इंटीग्रेशन को I2, ये वाला इंटीग्रेशन I1, एक इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और ये इंटीग्रेशन हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही तो ऊपर जनरेट किया है हमने, अब अगर इस नीचे वाले को t ऐड कर ले तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो आप इसमें पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू t। जैसे ही इसमें इसको हमने t पुट करते ये मिल जाएगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt,
और ये पूरा जो आई वन है वो बनेगा जी आपका डी टी अपॉन अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि I1 तो ये आ जाएगा पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद, I1 तो ये आ जाता है, और ये जो I2 है जिसे हमने I2 लेट कर रखे हैं, ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है वन अपॉन, ये नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ऊपर कॉन्स्टेंट है। अगर याद हो आपको, आपने 15 तक के क्वेश्चन किए होंगे 7.4 में, तो उन क्वेश्चन में यही तो था कि ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि ऊपर वन और नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो ये मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर बना के होगा, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और तरीका क्या बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, कि सबसे पहले नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कॉमन लेंगे। अब वो कोफिशियंट तो यहाँ पहले से ही बने, तो वन कॉमन लेके तो वही बचेगा, उसके बाद जो एक्स का कोफिशियंट है उसका हाफ करेंगे, फोर का आधा करेंगे, टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर यानी फोर ऐड करना है आपको, और फोर ही सब्ट्रैक्ट करना है, फोर ऐड करोगे फोर सब्ट्रैक्ट करोगे और माइनस फाइव लिख दोगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस तरीके से कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक जो होगी उसे परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे। वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद में इसका लिंक मिलेगा आपको इस वाले वीडियो का, तो वहां देख लेना उसे या प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, रिसेंटली अपलोड किया है मैंने अभी। तो ये होगा आपका x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन, तो यहाँ पर आप x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, और वो फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला जब आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो ये वापस वहीं पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। कैलकुलेशन करने के बाद जब ये होल स्क्वायर ओपन करोगे नाइन माइनस करोगे तो इतना बन जाता है। तो ये आई वन हुआ, ये आई टू हुआ। अब हमने दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिए, आई वन और आई टू दोनों अलग अलग हमने कर लिए, देयर फोर फाइनली जो आई होगा, मतलब इंटीग्रेशन तो इसका करना है, ये यहां तक लाके छोड़ दिया था हमने, ये आई चला हुआ था, ये इंटीग्रेशन करना था हमें इस पूरे का, इसका हमने अलग किया उसका अलग किया, जो इनके आंसर आए अब उन आंसर को लिख देते हैं। तो आई इक्वल टू फाइव अपॉन टू, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर तो आया टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव, और जी आई टू माइनस 26 अपॉन फाइव तो बाहर था उसमें, और ये इस पूरे का इंटीग्रेशन आया लोग एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। तो प्रोसीजर तो इन क्वेश्चन का बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा, आप फाइव अपॉन टू के अंदर मल्टीप्लाई करके और बाद में प्लस सी एक साथ लिख देना, इसका सी वन और इसका सी टू लिख सकते हो तुम, कि सी वन प्लस सी टू और सी वन प्लस सी टू को सी के ही बराबर लिख देना। ये वाली चीजें मैटर नहीं करती कि आप सी ले रहे हो या ए ले रहे हो। खैर यहाँ फाइव अपॉन टू की जैसे अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ये फाइव अपॉन टू की मल्टीप्लाई कराते हैं आपको मिल जाएगा, तो ये वाला इसका फाइनल आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद फाइव अपॉन टू की। अब इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली टर्म थी। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हर एक में ये काम आप अच्छे से समझ लेना, मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद जब ये आई वन और आई टू बन जाते हैं, आई वन हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, आई वन के लिए आप हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, और आई टू हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना के, जैसे सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं परफेक्ट स्क्वायर बना के होगा ये, जो हमने इससे पहले बताया है। तो ये दोनों क्वेश्चन किए हुए हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की कहानी क्या बनी क्वेश्चन में, कि सबसे पहले नीचे जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी है उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हम ऊपर क्रिएट करते हैं, कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव था, इसका डिफरेंशिएशन होगा टू एक्स प्लस फोर, और इस टर्म को हमें 2x प्लस 4 में कन्वर्ट करना है, तो हम इस 5x से भी 2x प्लस 3x लिख सकते थे, लेकिन वो 3x फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तरीका क्या होगा बनाने का, कि जो भी x का कोफिशियंट है उसे बाहर ले लो आप सबसे पहले, मतलब उसे कॉमन ले लेंगे, कुछ तो होगा x का कोफिशियंट, 1 होगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, 7 होगा तो 7 ले लेंगे, जो भी कुछ है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, ये एक स्टेप हो गया।
उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ भी x के साथ कुछ आया होगा, तो वो 2 आया था, यहाँ हमने 5 कॉमन लिया, अब हमें 2x बनाना है, 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से बाहर डिवाइड कर देंगे, तो बाहर 5/2 हो जाएगा और वहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद x वाली टर्म तो क्रिएट हो गई जो बनानी थी हमें, अब प्लस में कुछ कॉन्स्टेंट होगा, कुछ कॉन्स्टेंट होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो जो भी है उस कॉन्स्टेंट को पूरा करेंगे हम, कि 2x में 4 ऐड किया हमने, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो 2x प्लस 4 और फिर माइनस 4 कर लिया हमने, उसके बाद ये वाली टर्म अलग होगी, इन दोनों की कैलकुलेशन से ये अलग होगी, तो इसके अपॉन में भी ये पूरा रखोगे तो ये i1 मिल जाएगा, इसके अपॉन में ये पूरा लिखोगे ये i2 मिल जाएगा, दोनों को सोल्व करोगे अलग अलग i1 और i2 पर, दो आंसर मिलेंगे और वापस दोनों को फिर कंबाइन करके यहाँ पर लिख दोगे, यही फाइनल आंसर आ जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट मतलब डेफिनेटली आता ही आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले, हमेशा काम करेंगे यही वाला घंटा, कैसे भी क्वेश्चन हो तो प्रैक्टिस करके देखना, बुक के क्वेश्चन नंबर 15 के बाद वाले हैं ये 7.4 के, करके देखना इनको।